मैं नहा के एकदम फ्रेश होके आ गया हूँ। मैं कैसा लग रहा हूँ? स्मार्ट ना? एकदम हैंडसम लग रहे हो। ओह नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भै भै ब्लॉग्स yes, में। भै भै ब्लॉग्स। आज है 9 तारीख और अभी बज रहे हैं 1:00 PM और सनी अभी नहा के आ गया है। नहा के आ गया, क्या कर रहा है अभी? मैं अभी दूध पी रहा हूँ और अभी जाके मैं अपना ब्लॉग अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पे। यस, और आगे से अगर व्यू रोका ना यूट्यूब तो देख लेना, सनी छोड़ेगा नहीं तुमको। मैं नहीं छोड़ूंगा, बोल रहा हूँ। अभी दीदी घर की सफाई कर रही है और व्लॉग का यार मेरे को टाइटल समझ नहीं आता कि टाइटल क्या डालूं मैं कभी। मेरा अभी गूगल क्लासरूम पे क्लास भी चल रहा है, इधर मैं सफाई भी कर रही हूँ। क्या बात है ना मल्टी, तुम्हें लग रहा है तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, है ना? चमकाओ अच्छे से। दीदी व्लॉग का टाइटल बता दे यार, 1 बज गया। लिख दे मैं पागल हूँ। हाँ मैं पागल हो गया, लिख दे टाइटल। अच्छे से करो साफ, डस्ट दिखा तुम, तनखा काट लूंगा। सनी टाइटल बता दे भाई, भाई नहीं है तू मेरा, भै। पहले ये जवाब दो वीडियो यूट्यूब वालों, पता नहीं हमारे साथ ही इसको क्या लड़ाई है, व्यूज रोक देता है क्यों भाई? ए जो मैंने सजेस्ट किया भाई, कितना घटिया। मतलब मेरी बेइज्जती कराने में कोई नहीं, ये कभी बोलता है कि साबुन ही लगा था, सब कमेंट में साबुन लगाओ। ये लिखी है कि मेरा भाई मंद बुद्धि। अब भाई अब तू जो तू जो कुत्ता का फोटो दिखाता है बोलता है सनी का भाई। अब इसमें सनी का दोस्त, वो दीदी ने बोला था, मैंने नहीं बोला था। दीदी नहीं तो जा तो रहे ना लोगों के पास, ये डाल रहा हूँ दीदी देख ले। मेरा भाई मंद बुद्धि ये लिख चुपचाप, क्योंकि तू है। #insult। आप लोगों ने वो कवर देखा कि नहीं अभी तक मेरे YouTube चैनल पे, रिवर फ्लोस इन यू मेरा फेवरेट कॉम्पोजिशन, और जल्दी जाके चेक कर लो। हो गया है मेरा प्रमोशन। ये सीन में काट दूंगा। ये बोलने वाला था। कैसा बात सीखा। कभी कभी ना अपने मन से आवाज आता है ना वो एक बाहर आ जाता है। यार देख ले मैं अपना बेइज्जती करा लेता हूँ व्लॉग में, सब समझ लेना कि मैं जानबूझ के डालता हूँ ये। आप सीरियसली ना ले इन सब बातों को, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। तुम्हारा एग्जाम भी होने वाला है कल, देखते हैं कैसे जाता है तुम्हारा एग्जाम बिना पढ़े लिखे। वाईफाई बंद कर देना। तो अभी हम जा रहे हैं पार्क, बहुत दिन हो गए थे पार्क नहीं गए थे, तो अभी चलते हैं पार्क जल्दी से। दीदी एकदम हुडी पहन के साइकिल पे बैठ के चल दीदी चला। तो हम पहुंच चुके हैं पार्क और दीदी पूरे रास्ते पर भगाते हुए रही है एकदम मेरे को, ये साइकिल लेके भाग गए, दौड़ दौड़ के आना पड़ा पीछे। अभी अकेले में ही खेल रहा है और मौसम काफी अच्छा है, एकदम धूप धूप सा मजा आ रहा है, एकदम ठंड और धूप का मिक्सचर। जैसे ही पार्क में आए एक दुखद खबर हो गई, साइकिल का चेन उतर गया। अभी यूट्यूब से देखना पड़ेगा साइकिल का चेन कैसे ठीक करते हैं, नहीं तो पापा को बोलना पड़ेगा कि पापा जाके ठीक करवा के लाएंगे। ओह ओह सनी तेरे वजह से खराब हो गया साइकिल। इनसे कुछ पूछोगे तो ये मेरे को ही उल्टा बोल देते हैं यार। ओह मेजोरिटी साइकिल का चेन तो ठीक नहीं हो रहा और हाथ भी काले काले से हो गए, पूरे गंदे हो गए चेन ठीक करने में। तो अभी तब तक बैडमिंटन ही खेल लेते हैं। तुम्हारा कारनामा था, उल्टा पैडल मारे था पापा, ये बहुत क्यूट लग रहा। क्या कर रहे हो भाई? दीदी चोट लग गई। मारे 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 भाई, नहीं है मेरा नहीं। ओ तोड़ दिया, आवाज भी आई कट से। अब चल ना यार, मतलब यार प्लीज एक बार यार प्लीज, सनी बहुत तेज है। हां आ जा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अभी इतने प्यार से मेरे को बोला ना। ओ दीदी यार जैसे करे मेरे को मन किया इसको हग करो, एक देता। दीदी कुछ बोल दो ब्लॉग के लिए, थोड़ा कंटेंट हो जाएगा, तेरा समय झीक जाएगा। साइकिल को जो तूने ये हट अब क्या प्रोफेशनल हाँ चालू, अब मैं सिखाता हूँ कि बैडमिंटन खेला कैसे जाता है। कल सिखाया था कि दूध कैसे बनाते हैं, चाय कैसे, अब बैडमिंटन खेलना सिखाता हूँ। देखो फुर्ती होनी चाहिए, देख के अंदर कुछ भी कर सकते हैं। अभी दिवाली आई भी नहीं और एकदम प्रदूषण यहाँ पे बढ़ सा गया है, आप पीछे देखेंगे। ओहो तो बहुत मन कर रहा था हम लोग कोल्ड्रिंक पीने का, बहुत सारे लोग डांटेंगे भी, लेकिन डांटेगा मत, हमको ट्रिक मालूम है जिससे खराब नहीं होता गला। हम बताएंगे कोल्ड्रिंक, हम बताएंगे भी नहीं। तो फिर से आए हैं हेलो, और आज तो देखो ये गिफ्ट्स लेके आई है, हम लोग पिछले 2-3 दिन से बात नहीं आ रहे थे, तो इनका गिफ्ट ये रोज लेके आ रहे थे, लेकिन आज हम लोग फाइनली मिले हैं। तो मैंने वही रोक के रखा है कि अभी मत दिखाइए, अभी मत दिखाइए, अब देखते हैं। तुम्हारे लिए बहुत छोटा सा एक फ्रूट सा वो है। अरे मुझे मालूम है ये इसको बहुत पसंद है।
छोटी मैथिली के लिए। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तुम्हारे लिए सुनने के लिए। पता नहीं था आपको क्या पसंद है क्या है, मतलब इसको जोक बनाने के लिए उसके एफर्ट नहीं करना पड़ता है, बस बत्ती बुझाए और बना दिया जोक, चाहे वो कैसा भी बन जाए। शूज भी नहीं पहनी ऐसी बात क्या, क्या यही करना है। ये भूल गया था इसका। बहुत बढ़िया। अरे साइड स्टैंड। ओए भाई ओए, मैं गंदा हो जाएगा। अरे आप लोगों के लिए लाया है। और थोड़ा चित्रा के डॉक्टर जैसे जल्दी पीले वरना ठंडा हो जाएगा। कितना पुराना जोक है ये वाला। अभी पार से घर लौट चुके हैं, उसके बाद मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं क्योंकि मैं पढ़ रहा था, सीरियसली इस बार मैं पढ़ रहा था सही में। तो अभी 9 बजने वाला है, सनी को मम्मी से मार पड़ी है आज, ये काम नहीं कर रहा था ढंग से। सनी अपने फेसबुक पेज के लाइव का प्रिपरेशन कर रहा है। सनी दीदी ने बोला जल्दी से सेटअप करो सब, और कल मेरा पेपर है तो एकदम हेडफोन लेके फोन लेके बैठा हूँ पढ़ने के लिए। तो अभी हम सब खाना पीना खा के बैठ गए दोनों भाई, और अभी रात के 11 बज रहे हैं, और मैं भी पढ़ने मैं कितना और बोलता हूँ हर सेंटेंस के बाद, और मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। क्या करे सनी, जोक सुनाएगा अभी। और हाँ सनी, जोक सुनाने से पहले ये बता, आज जो तो दीदी से पिटा है, पहले तो मम्मी से पिटा है, उसके बाद तो दीदी से पिटा है। मम्मी को बात का इग्नोर कर दिया था थोड़ी देर के लिए, मम्मी कूट दी मेरे को, धर दी। कैसा लग रहा है तेरे को अभी? अभी 2-3 घंटा पिटना हो गया है तो अभी नॉर्मल लग रहा है। नॉर्मल है, 2-3 घंटा हो गया। अगला डोज कब लेना चाहते हो? कल ही ले लूंगा सुबह से वाइफ में, क्या कभी कुछ करो पिट जाओ। अच्छा जोक सुना दे जोक। वाह बुरे वाह। अच्छा चीटी रास्ते में चल रही थी, ठीक है, इसके सामने रास्ते में धागा आ गया या कोई रस्सी आ गया, बताओ वो क्या करेगी? उसके ऊपर से गुजर जाएगी। लॉजिक देखा जाए तो गलत है, उसके नीचे से चले। अगर तू चीटी चल रही है ना, और तू उसके अगल बगल में अगर पेन से भी ऐसे घेरा लगा देगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो उतने में घूमता रहेगा। कैसे क्या है, कैसे क्या करके देख ले, अभी करके देख ले तू। हमारे घर में चीटी ना बिच्छू ना मच्छर कुछ नहीं है। ये बात है, कुछ और जोक सुनाने सनी भाई। अच्छा अभी अभी कैमरा ऑन ही रखो, देखो ना सोचता हूं। लेकिन अभी तो लाइट है, अंधकार में याद आएगा ना तुमको तो। अभी तो वीडियो ऑन रखो। अच्छा ऐसे पूछ रहा हूँ मैं, नींबू खट्टा क्यों होता है? पता नहीं सनी, बता। मुझे नहीं पता। सनी थे तू और कुछ सुनाने वाला था इस बार ना, अधिकार की जगह ऐसे ही सोचूंगा, लाइट में सोचेगा इस बार, देखता हूँ कितने टाइम में याद आता है। याद आ गया, उठ के बैठना तो याद आ गया तो, वरना हाँ थोड़ा महाराजा वाला फील रहता था। हाँ एक बार चीटी लाइट कैसे, अरे चीटी की देह पे लाइट चल रहा था, चीटी के देह पे लाइट चल रहा था, चल नहीं रहा था, क्या बोल रहा हूँ मैं, लाइट में चीटी चल रही थी। हाँ आगे अंधेरा आ गया, उसने क्या किया? रुक गई। अरे नहीं, आंसर नहीं था तो क्या है? उसको पता चल गया था अंधेरा, वो पीछे मुड़ गई। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, दोनों भय कर रहे हैं, साइन ऑफ। दीदी उस रूम में है सनी से परेशान होके, एडिटिंग का काम वहां पे कर रही है क्योंकि सनी बहुत परेशान कर रहा था। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप सभी से कल के व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए इसको भी और मुझे भी। तो तब तक के लिए खत्म, टाटा बाय बाय।